तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। और हम इसमें वडोदरा में हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, जो यहाँ पर पैलेस है। नमस्ते। नमस्ते मिलन। और यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया है मिलने के लिए। वो यहीं से हैं, गुजरात से ही जहाँ तक मुझे पता है, और उनसे भी मिलेंगे। और वो ऑलरेडी हमारा वहाँ पर पैलेस का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड, क्या दिखाना चाह रहे हो बताओ ना बेटा। ये वेस्टी नहीं है ना, आप ऐसे कर रहे हो। और जी आपके क्या हाल है? क्या यू लुक ऑसम, क्या ऐसे चलना चाहते हो? बेटा ऐसे नहीं, ये ब्लैंकेट है, ये वेस्टी नहीं है। ये बच्चा बहुत मजाक करता है। नहीं, अगर आपने वडोदरा पैलेस के सामने ऐसी फोटो खिंचाई ना तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। आपको तो मैं पहले भी लेकर गया था वडोदरा पैलेस, याद है 2014 में। यार शहर तो ये अच्छा है और काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। और अगर आप इतिहास में थोड़ा रुचि रखते हैं तो आपको पता ही है कि वडोदरा का, यानी कि बड़ौदा का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे भारत के इतिहास में। ये बच्चा मजाक नहीं कर रहा था, ये वाकई ब्लैंकेट पहन के होटल में डोल रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अब तो आत्मविश्वास की कमी नहीं है, कुछ भी पहनो आत्मविश्वास होना चाहिए बेबेन, है ना? बहुत स्वागत है। और हम जाए हैं कहाँ, ये है कुछ अच्छा दिखाता हूँ। ये देखा, और बेटा पानी में मत फेंक देना मेरे फोन को, नहीं फेंक दूंगा। और ये है जहाँ हम आए हैं, और यहाँ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग होया है। तो बस हम पहुंच ही चुके हैं, बस अब गाड़ी पार्क करते हैं और फिर मिलते हैं उन सज्जन से जो हमारा यहाँ पर बोलिए कर लेना, फिर मिलते हैं उन सज्जन से जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर। ये बढ़िया स्पॉट है, इस पर लगा देता हूँ, परफेक्ट। कैरोलिना को सब्सक्राइबर मिल गए हैं। इन खंडेराव महाराज ने 1857 की जो मिटनी हुई तब ब्रिटिशरों की साइड ली थी। उनका एक हेतु भी ऐसा था कि हमारे जो लोग हैं, जो बड़ौदा के लोग हैं, उनके बचाव के लिए भी एक स्टैंड लिया गया, कि उनको खबर थी कि हम उनके विरुद्ध जाएंगे तो जीतने का कुछ सवाल नहीं था। उस वजह से उनको एडॉप्शन का राइट ब्रिटिशर मिल गया था। सयाजीराव महाराज ने उम्र के 18वें साल में ही यहाँ उनका राज्यावरोहण हुआ, उनको राज्य की सूत्रे उनके हाथ में दे गए। उन्होंने हमेशा हमेशा डायरेक्टली तो कर नहीं पाते थे कुछ, इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी मदद की फ्रीडम फाइटर्स के साथ। महर्षि अरविंदो यहाँ 13 साल रहे, उनके पर्सनल काम करते रहे, वो बड़ौदा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। महाराज साहब ने हमेशा सावरकर जी को भी प्रयत्न किया हेल्प करने को। बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा एजुकेशन सयाजीराव महाराज ने किया कैम्ब्रिज तक का, और जब उन्होंने एक डॉक्टरेट अपना जो थीसिस लिखा था अंबेडकर जी ने, वो थीसिस उन्होंने महाराजा साहब को डेडिकेट किया है। बड़ौदा के विकास के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत मना अगणित प्रयत्न किए। 1906 में, बिफोर द वर्ल्ड कैन इवन थिंक ऑफ इट, बड़ौदा इंट्रोड्यूस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 1901 में विडो रिमैरिजेस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन बड़ौदा।
और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बड़ौदा वॉज ट्रैवलिंग लाइब्रेरीज। जिन छोटे छोटे गांवों में लाइब्रेरी पहुंच नहीं सकती थी, वहां पे ट्रैवलिंग लाइब्रेरी के किट बनाए गए थे। आज भी बड़ौदा में महाराजा साहब का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। एक सार्वभौम राजा उन्होंने खुद को प्रूव किया, वो मांडलिक राजा नहीं थे, वो सार्वभौम राजा थे। यह है बड़ौदा का सबसे अच्छा, सबसे प्रसिद्ध, मेरे ख्याल से जो समझो बताया गया, लवर्स पॉइंट। नो रियली, ट्रस्ट मी कैरोलिना, इस ब्रिज के आसपास नहीं, फैमिली पॉइंट भी है, लवर्स पॉइंट भी है, सारे पॉइंट है यहाँ पर। हाउ डू यू नो दैट? बिकॉज़ इफ यू कम हियर यू सी ऑन योर लेफ्ट व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे लोग रुकते हैं रात में, देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे अभी। हम जा हैं कहा प्लेस गुजराती थाली खाने के लिए, और गुजराती फूड बहुत अच्छा है, मैं के लिए सब के लिए मैं बोया हूँ। गुजराती भी बहुत अच्छे हैं, और गुजराती भी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, और ये लोग तो अच्छा है जैसे आप देख सकते हो। और हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारे साथ ही हैं, और वो हमको लेकर आए मंडप, ये मंडप रेस्टोरेंट है हम वडोदरा में, और ये होटल में ही है, यहाँ पर एक होटल है, होटल के अंदर ही है, और बिल्कुल पारंपरिक गुजराती खाना यहाँ पे मिलता है। देखिए थाली वगैरह को लगी हुई हैं, अब कैबरीना अंदर ही ऑलरेडी, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रस्तुति, आप देखिए कितनी सुंदर थाली है, गुजरात के इसमें व्यंजन है, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये अच्छा, ये जो सामने रखे हैं जो, ये सब गुजराती हैं या फिर ये जो मिर्च वगैरह है ये गुजराती तरीके से? और ये दो गुजराती, ये तीन गुजराती, ये सलाद है, मीट है, समझ गया, परंतु यह श्रीखंड है ना, ये तो गुजराती है, ये गुजराती है, ये श्रीखंड है, ये शीरा हलवा है आपका, हाँ हाँ, और ये मिल्क का कोकोनट, और यह क्या है, ये दाल है, गुजराती दाल, गुजराती दाल है, ये गुजराती कड़ी, कड़ी, ये मूंग है, ये पोटैटो, पनीर मिक्स किया है, और एक गोभी है। आपको जो खाना है खाओ, बाकी मैं खाऊंगा आपको।